नमस्कार, स्वागत है आपका सुधार एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकाय क्षेत्र के पट्टाधिकारियों को एक बड़ी सौगात दी है, जहां पट्टाधारी भू स्वामी के अधिकृत मालिक हो जाएंगे और उनके पट्टा का नियमितीकरण हो जाएगा। सरकार ने सभी कलेक्टरों को आदेश भी जारी कर दिया है। सरकार के इस फैसले से सीधा लाभ उन हजारों पट्टाधारियों को होगा जो कि बरसों से पट्टे के निशान के साथ शहरों में निवासरत हैं। एक रिपोर्ट। शहर की लाखों आबादी में हजारों ऐसे लोग भी यहाँ निवासरत हैं जिनके पास मकान तो है पर उस पर उनका भू स्वामी या हक पूरी तरह से नहीं है। हजारों लोग जो गांव से शहर आए हैं और बसते चले गए, सरकारी जमीन पर काबिज होते चले गए, फिर पीढ़ी दर पीढ़ी वे कच्चा और पक्का मकान बनाकर रहने लगे। वर्षों से यहाँ निवासरत लोगों को नगरी प्रशासन की ओर से पट्टा दिया गया, मतलब ऐसे लोगों की पहचान पट्टा वाले रहवासी के तौर पर ही रही, उनके मकानों का नियमितीकरण नहीं हो सका। इन स्थितियों के बीच पट्टा वाले मकानों का वजूद तब तक रहता है जब तक शासन प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे पट्टाधारी लोगों को अब भूपेश सरकार पूरी तरह मालिकाना हक देने जा रही है। इसकी शुरुआत सरकार ने कर दी है। राज्य शासन ने शहरी क्षेत्रों में पट्टाधारी लोगों के पट्टों को भू स्वामी अधिकार में बदलने की कवायद तेज कर दी है। नगरी प्रशासन एवं विकास विभाग ने पट्टाधारियों की निर्धारित सीमा तक अतिरिक्त कब्जे की जमीन के नियमितीकरण, अवैध या अनियमित पट्टा हस्तांतरण के नियमितीकरण और भू उपयोग में परिवर्तन के नियमितीकरण कार्यों में तेजी लाने सभी कलेक्टर को पत्र लिखा है। विभाग ने पट्टों के नियमितीकरण, भूमि स्वामी अधिकार, पट्टा नवीनीकरण की कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टरों को विकास प्रभार के निर्धारण में पूर्ण सावधानी बरतने को कहा गया है जिससे किसी प्रकार की वित्तीय हानि ना हो। पहले हमारी कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने पट्टा वितरण किया था गरीब लोगों को अर्जुन सिंह जी के समय में, और उसके बाद में पट्टा वितरण किया गया था जिनको नवीनीकरण नहीं हो पा रहा था। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि अब उनका नवीनीकरण भी होगा और 19 नवंबर 2018 के पहले, जो इंदिरा जी का जन्म दिवस है 19 नवंबर 2018 तक, जो लोग काबिज हैं सरकारी जमीन पे या नजूल की जमीन में काबिज हैं, उन लोगों को पट्टा का वितरण किया जाएगा। देखिए, रायपुर शहर में अधिकांश जो पुराने जगहों पर जो मकान है वो आबादी वाले घर हैं। दुर्भाग्य ये है कि अभी लोगों की जमीनों के नामांतरण नहीं हो पाते, आदमी लोगों को लोग अपने घर को नहीं बेच पाते, या कोई नई जगह पर हम घर नहीं खरीद पाते, या बहुत सारे पट्टों का रिन्यूअल नहीं हुआ है। हमारे यहाँ तो मार्केट भी पट्टों पर आधारित है। तो सरकार ने जो ये घोषणा की है, माननीय भूपेश बघेल जी को मैं रायपुर शहर की जनता की ओर से, छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि 10 वर्षों से लगभग पट्टे रिन्यूअल होने बंद हो गए थे। उसकी प्रक्रिया इतनी जटिल हो गई थी कि मान लो कोई सिविल लाइन में रहता है और उसके 99 साल का उनका पट्टा था, लीज अगर खत्म हो गया है तो अभी तक कि उसका लीज रिन्यूअल नहीं हुआ है। कई मार्केट ऐसे थे जिनका लीज रिन्यूअल नहीं हुआ। आज पुरानी बस्ती, ब्राह्मण पारा, बूढ़ा पारा जैसे जहां 100-200 साल से लोग रहते हैं, वहां पहले नगर निगम की रसीदों के आधार पर हमारे नक्शे पास हो जाया करते थे। पूर्व की सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया, लोग मकान नहीं बेच पाते थे, रजिस्ट्री नहीं हो पाती थी, और तो और 5 डिसमिल की जो जमीनें थी उसका भी रजिस्ट्री नहीं हो पाने के कारण बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता था। अब सरकार ने जो आबादी जमीन में जो लोग काबिज हैं, मठ मंदिर की जमीन, तालाबों की जमीन को छोड़कर अन्य जगहों पर जहां लोग काबिज हैं और निजी जमीनों को छोड़कर, उनको पट्टा देने का निर्णय सरकार ने लिया है। देखिए, निश्चित रूप से 84 के बाद शायद पहली बार ऐसी कोई भूमिका बन रही है, और लगभग जो पट्टाधारी अभी हैं इनका पट्टे का जो अवधि 30 साल का होता है वो खत्म हो चुका है। अपने आप में ये लोग खुद असुरक्षित महसूस करते हैं। अधिकांश लोगों को लगता था कि हम लोग क्या करेंगे, कभी भी कोई गवर्नमेंट आती, कोई भी निगम कमीशनर आता है, कोई भी आता है, तोड़ देंगे, बस्ती हटा देंगे, बात की जाती थी। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद, भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद, लगातार हम लोगों ने इस बारे में मांग की थी, और मांग करने के बाद सरकार का जो निर्णय कि जो जहां रह रहा है ऐसे आबादी की बस्तियों में, ऐसे जहां पर पीटू बन सके, नजूल की बस्तियों में जो लोग रह रहे हैं
और जिनका मकान वर्षों से वहां पर है उनको वहीं का पट्टा बना के दिया जाए और उनको बनाकर उनको मालिकाना हक दिया जाए। बड़ी बात यह है कि 30 साल 35 साल पहले जो बने पट्टे थे वो लगभग सब वृद्धजनों के नाम पे थे, आज वो बुजुर्ग हो गए हैं, उनके बच्चे हो गए हैं, बच्चों को दो दो तीन तीन उन्होंने अपने बच्चों को मकान बांट दिया है। अब जब नए सिरे से पट्टा दिया जाएगा तो हमारी मांग भी है और लगभग सरकार का निर्णय भी यही है कि जो अगर अपने बच्चों के नाम से दो बच्चे हैं तीन बच्चों के नाम से अलग अलग करके रखे हैं तो उनके नाम से अलग अलग पट्टा दिया जाए और ताकि वो लोग अपना जो भविष्य में मकान बनाने की जरूरत हो या अन्य आवश्यकताएं हैं, बैंक से लोन लेने का मामला हो, तमाम मामलों तमाम जो सरकारी योजनाओं में जो लाभ मिलना चाहिए एक मकान मालिक को, वो मालिक को जो हक है उनका वो मिलेगा। इसके लिए हम लोग भूपेश बघेल जी का, सरकार का, हमारे राजस्व मंत्री जी का, कैबिनेट का और कांग्रेस पार्टी का आभार मानते हैं कि उन्होंने जो घोषणा पत्र में बात को जोड़ा था कि लोगों को पट्टा दिया जाएगा वो पूरा करने जा रहे हैं। दरअसल राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ नगरी क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्ति अधिनियम 1984 में संशोधन कर पट्टाधृति अधिकार के पट्टों को भूमि स्वामी अधिकार में परिवर्तित करने का फैसला किया है। साथ ही पट्टाधारियों के कब्जे वाली अतिरिक्त जमीन के निर्धारित सीमा तक नियमितीकरण, अवैध या अनियमित पट्टा हस्तांतरण के नियमितीकरण और भू उपयोग में परिवर्तन का नियमितीकरण करते हुए भू स्वामी अधिकार प्रदान करने की पहल की है। इसे अमल में लाने प्रशासन ने छत्तीसगढ़ नगरी क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्ति संशोधन अधिनियम 2019 को अधिसूचित भी कर दिया है। राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन के साथ ही नए नियम राज्य के सभी नगरी निकायों में प्रभावी हो गए हैं। नगरी प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि पट्टाधारी के निर्धारित सीमा तक अतिरिक्त कब्जे की भूमि के नियमितीकरण, अवैध या अनियमित पट्टा हस्तांतरण के नियमितीकरण और भूमि के प्रयोजन में परिवर्तन के नियमितीकरण का आवेदन या इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा शीघ्र कार्रवाई प्रारंभ की जाए। प्राधिकृत अधिकारी स्वप्रेरणा से भी ऐसे मामलों पर कार्रवाई कर सकते हैं। नियमितीकरण की कार्यवाही के लिए जिलों में आवश्यकता अनुसार निरीक्षण दलों का गठन करने को कहा गया है। इन दलों में राजस्व अधिकारी के साथ स्थानीय नगरी निकायों के अधिकारी तथा ग्राम एवं नगर निवेश विभाग के अधिकारी शामिल रहेंगे। देखिए, डायवर्सन और नामांतरण के जो प्रकरण है बहुत दिनों से लंबित रहता था। अब हमारी सरकार चाहती है, माननीय भूपेश बघेल जी ने निर्देश दिया है कि नामांतरण की जो प्रक्रिया है वो समय सीमा में होना चाहिए और जो भूखंड है उनका डायवर्सन कराते हैं तो डायवर्सन में जो समय लगता था वो समय अब ज्यादा मत लगे, समय सीमा के अंदर ये काम हो और अगर कोई अधिकारी इसमें विलंब करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, जिससे अब इस प्रक्रिया को सरलीकृत भी किया गया है कि लोगों को नामांतरण के लिए महीनों और सालों और डायवर्सन के लिए सालों का समय लगता था, वो बहुत कम समय में निर्धारित समय अवधि में होगा, जिसका लाभ लोगों को होगा। मैं भूपेश बघेल जी को और कांग्रेस की सरकार को, जो आम जनता के ये बड़े फैसले हैं, कई साल से लोग रह रहे हैं लेकिन उनका टैक्स भी नहीं लिया जाता था, नजूल में जाने के बाद पट्टे कब मिलेंगे ये भी निर्धारित नहीं होते थे, जो पुराने पट्टे हैं उसके रिन्यूअल नहीं हो पाते थे, तो अब एक आदेश से लोगों को पट्टे भी मिलेंगे नए स्थानों पर। लेकिन इसका आशय ये कतई नहीं है कि लोग जहां पर काबिज है या कब्जा है, जो रोड विड्थ है वहां पट्टा दिया जाएगा, ये बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल क्लियर है उसमें कि 30 फीट की जहां रोड रस्ते हों, जहां लोग भूमि स्वामी हक की जो जमीन को छोड़ करके बाकी जमीनों पर पट्टा देने का निर्णय सरकार ले रही है। ये फैसला तो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा निर्णय है कि सरकार अगर गरीबों के हित में बात कर रही है। ये पहली बार है एक कांग्रेस की सरकार, वाकई में 1984 के बाद आज पहली बार ऐसा निर्णय लिया गया है कांग्रेस के द्वारा कि हर गरीबों को जहां बसा है, जिस जगह पे बसे हैं, जिस गरीबों को वहीं के पट्टा दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी निर्णय है, इनका हम स्वागत करते हैं। नियमितीकरण के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संयुक्त दल से स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन लिया जाएगा। पट्टाधारी के अतिरिक्त कब्जा की भूमि नियमितीकरण योग्य होने पर अर्थात कब्जे के अधीन अधिक भूमि व्यवस्थापित मूल भूमि से 50% की निर्धारित सीमा तक नियमितीकरण किया जाएगा। इसके तहत नगर पंचायतों में 1500 वर्ग फुट, नगर पालिकाओं में 1200 वर्ग फुट और नगर निगमों में 1050 वर्ग फुट भूमि का नियमितीकरण किया जाएगा। रायपुर नगर निगम क्षेत्र में अधिकतम
900 वर्ग फुट जमीन का निमितीकरण किया जाएगा। पट्टाधारी द्वारा निर्धारित विकास प्रभार जमा कराए जाने पर कब्जा की अतिरिक्त भूमि को मूल पट्टाधारी के पक्ष में पट्टा प्रदान कर नियमितीकरण या भू स्वामी अधिकार प्रदान किया जाएगा। अवैध या अनियमित हस्तांतरण और भूमि प्रायोजन में परिवर्तन के मामले में संयुक्त दल के प्रतिवेदन, कब्जाधारी की भूमि होने अधिनियम के अंतर्गत पात्र हितग्राही होने, भूमि प्रायोजन में परिवर्तन स्वीकार होने और प्रभावी मास्टर प्लान के उल्लंघन नहीं होने की स्थिति में निर्धारित विकास प्रभार जमा करने के बाद पट्टा जारी कर नियमितीकरण या भूमि स्वामी अधिकार में परिवर्तित किया जाएगा। परिवर्तित भूमि प्रयोजन आवासीय होने पर कलेक्टर गाइडलाइन की दर 125% और गैर आवासीय होने पर 200% के हिसाब से विकास प्रभार लेने के बाद ही संबंधितों को भूमि स्वामी का अधिकार प्रदान किया जाएगा। नगर निगम सीमा में, नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में उनके लिए जगह निर्धारित की गई। 1500 तक हम नगर पंचायतों में देंगे और 1200 स्क्वायर फीट तक हम नगर पालिकाओं में देंगे और 900 के करीब हम नगर निगमों में उपलब्ध कराएंगे और उनको हम फ्री होल्ड भी करेंगे, उनको मालिकाना हक देंगे ताकि वो अपने जो जमीन है उस जमीन का उपयोग खुद कर सके, उसको हम उस जमीन का मालिक भी बनाना चाह रहे हैं। और अभी हमने विधानसभा में बिल भी पारित किया है, उनको हम फ्री होल्ड करके मालिकाना हक देंगे, उनको रजिस्ट्री करके उनको देंगे। पहले से पट्टा नहीं उनको मिलेगा? निश्चित रूप से जिनका पट्टा नहीं है, जो काबिज है 19 नवंबर 2018 के पहले, उनका हम सर्वे कराएंगे और काबिज है उनको भी पट्टा वितरण करेंगे। इससे प्रदेश के लगभग 4 लाख जो शहरी हमारे शहर में रहने वाले लोग हैं उनको फायदा होगा। ये पट्टा प्राप्त होने के बाद उनको 2 लाख से लेकर 2,50,000 की राशि हम नगर निगम की ओर से उनको मकान बनाने के लिए देंगे। जिनके फर्स्ट फ्लोर ऑलरेडी बने हुए हैं उनको सेकंड फ्लोर बनाने के लिए भी ये व्यवस्था हमने की है। केवल पट्टाधारियों को नहीं, जिनकी रजिस्ट्री की भी जमीन है और जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का है उसको भी ये सुविधा हमने देने का निर्णय लिया है। हमारे छत्तीसगढ़ में जो हमारा अभी कांग्रेस का सरकार बना है उसके तहत हमारी नगरी निकाय द्वारा, नगरीय निकाय मंत्री द्वारा ये सर्वे चलाया जा रहा है कि जहाँ जहाँ जिनको जिनको यदि पट्टा नहीं मिला है, आबादी जमीन या शासकीय जमीन है, उन्हें उनका अधिकार पत्र या पट्टा उनको दिया जाएगा। और जिनका पूर्व में 30 साल से ऊपर हो चुका है और जिनके यहाँ जो जिसके नाम से पट्टा था, बुजुर्ग है जिसका मृत्यु हो गया है, उनके परिवार के किसी मुखिया को पट्टा को नवीनीकरण कर उनके नाम किया जाएगा। सरकार का कहना है कि वर्ष 1984 में दिए गए पट्टों की 30 वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुकी है। इन पट्टों में नवीनीकरण की कार्रवाई बड़ी संख्या में लंबित है। नगरी प्रशासन विभाग ने छत्तीसगढ़ नगरी क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति अधिनियम 2019 के प्रावधानों के अनुसार अगले 30 वर्षों के लिए इनके नवीनीकरण के लिए निर्देश कलेक्टर को दिए हैं। सहयोगी हेमंत शर्मा के साथ रामशु पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। अरे भैया तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही में, पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। हाई स्ट्रेंथ अल्टीमेट पावर एक्सेलेंट ड्यूरेबिलिटी More ductility. Keep you safe. Our product is our strength. Sagar TMT. Mazbooti aur Vishwas ka naya naam. A product of Pankaj Group. Tumse pehle tumhara charkha Chhattisgarh pahunch chuka tha babu. Tumhare kandil aane ki khabar ne hi kisano ko jeet dila di. दुर्ग में रखा तुम्हारा वो चरखा आज सिर्फ सूत ही नहीं स्वप्न भी बुनता है जनमानस के सामूहिक विकास का। मोहनदास बाकलीवाल स्कूल के कुछ बच्चों को तुमने जो फूलों का हार पहनाया था वो फूल अब भी ताजा हैं और छत्तीसगढ़ के हर बच्चे में संभावनाओं के साथ महक रहे हैं।
मोतीबाग का वो खादी मेला जगार बनकर छत्तीसगढ़ को हर साल रोशन करता है। कैसे भूल सकते हैं बापू अछूतोद्धार यात्रा में तुम्हारा आना, गंज डबरी का सतनामी आश्रम, जैतू साव मठ की वह धरती आज भी तुम्हारी करुणा का संचार करती है। छत्तीसगढ़ कब नहीं था धन्य तुम्हारे आने से। मौदहा पारा के सफाई कर्मचारी हूँ, राजकुमार कॉलेज के विद्यार्थी, या तुमको देखकर खुद में ताकत महसूस करती घरेलू महिलाएं, बापू तो तुम सभी के थे। राजिम, धमतरी और बिलासपुर की सड़कें भले ही नई हों, पर उन पगडंडियों पर तुम्हारे पद चिन्हों को कौन भूल सकता है। बैतलपुर के जिस कुष्ठ आश्रम में तुम मरीजों से मिले वो अब कुष्ठ अस्पताल है, और हाँ, छत्तीसगढ़ में कुष्ठ अब लाइलाज नहीं। बापू चुनौतियों के कई दौर आए और आएंगे, पर सत्य, समरसता और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए तेरी मशाल की रोशनी के सहारे हम आगे बढ़ते जाएंगे। बापू, तुम्हारे करुणा के सूत्र को पकड़कर छत्तीसगढ़ सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। ग्राम स्वराज के लक्ष्य को साधने के लिए सुराजी गांव योजना शुरू की है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करने, नमन करने, श्रद्धा सुमन अर्पित करने से हमारा काम खत्म नहीं होता, बल्कि यहाँ से हमारा काम शुरू होता है। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना और सार्वभौम पीडीएस से हमने तय किया है न तो कोई भूखे पेट सोने को मजबूर हो और न ही पोषण युक्त आहार से वंचित रह जाए। हमने कुपोषण के खिलाफ निर्णायक जंग का ऐलान किया है जो गांधीवादी सत्याग्रह राह पर चलेगी। सबको अच्छी सेहत के लिए बापू ने बहुत प्रयोग किए थे, इसलिए सार्वभौम स्वास्थ्य सेवा हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के माध्यम से हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। बापू की करुणा को हमने सरकार का मूल मंत्र बनाया है। आइए हम सब मिलकर उनकी करुणा का संचार करें, बापू के सपनों का नवा छत्तीसगढ़ करें। खास जड़ी बूटी से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही लें, पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। नगरीय निकाय के अंतर्गत आने वाले पट्टाधारियों को प्रदेश सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। वर्षों से पट्टे के जमीन में निवास करने वाले लोगों को अब उनका मालिकाना हक मिलेगा। जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सरकार ने जो सभी कलेक्टर हैं उनको निर्देश जारी कर दिया है, और अभी हम विधानसभा इलाके में हैं, यहाँ पर बहुत से पट्टा धारक हैं, वो यहाँ पर रहते हैं, पट्टे की जमीन में कई वर्षों से वो यहाँ पर निवास कर रहे हैं, और इस प्रदेश सरकार की एक सौगात के बाद उनका क्या कहना है उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है, जो वर्षों से पट्टा धारक हैं जिनको ये डर रहता था कि शासन प्रशासन उन लोग के ऊपर कार्रवाई कर देगा, लेकिन अब उनको भू स्वामित्व यानी मालिकाना हक अब दिया जा रहा है। बहुत अच्छी पहल है हमारे भूपेश सरकार जी का, जो पहले 30 साल के लिए 20 साल के लिए लीज में सरकार देती थी। पिछले 98-99 में भी यहाँ पट्टा बटा था, दिग्विजय सिंह सरकार थे जब, और उसके 15 साल बाद तो नहीं मिला था कोई पट्टा, लेकिन फिर हमारी कांग्रेस की सरकार आई है, भूपेश सरकार ने फिर पट्टा देने का ऐलान किया है, और जो जिसको पुराना पट्टा लीज का पट्टा मिला हुआ है उसको नियमितीकरण कर रहे हैं, और उसके बावजूद जो जहाँ है सर 2018 नवंबर में उसको भी नियमित पट्टा देने का ऐलान किया है। ये सरकार का दर्शाता है कि वाकई में छत्तीसगढ़िया सरकार है, और छत्तीसगढ़ का सरकार कांग्रेस की सरकार भली भांति छत्तीसगढ़िया को पूरी समझ कर ये सब पट्टा दे रहा है, इतना कर रहा है। ये आप किस तरीके से देखते हैं भैया फैसले को, क्योंकि काफी एक तरीके से देखा जाए लंबी मांग थी लोगों की, पट्टेधारक के हमेशा परेशान रहते थे, कई बार उनको कार्रवाई से भी गुजरना पड़ता था, तो किस तरीके से देखते हैं आप इस फैसले को सरकार के? मैं तो भूपेश सरकार का जो है उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो ये पहल किया है कि नवीनीकरण, तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं उसको। कुछ और लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करें। आप बताइए, आप कितने साल से पट्टे की जमीन कर रहे हैं? करीब 20-25 साल हो गए। अच्छा। और हमारे पास पुराना पट्टा है,
जिसको नवीनीकरण करवाना है, और भूपेश सरकार अभी मालिकाना हक दे रही है हमें, तो हमें मालिकाना हक मिल जाए तो और बहुत बहुत बढ़िया बात है। किस तरीके से फैसला देखते हैं, अगर ये मिलता है मालिकाना हक, किस तरीके से सरकार आप लोगों के लिए बेहतर कर रही है? भाई मालिकाना हक अगर हमें दे रही है सरकार बेहतरी कर रही है। बहुत अच्छा प्रावधान निकाला है सरकार ने, हमें भूपेश सरकार ने, ये हमें मिलना चाहिए मालिकाना हक। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो पट्टे की जमीन में कई वर्षों से निवास कर रहे हैं लेकिन उनको आज तक उनका मालिकाना हक नहीं मिला था, लेकिन इस निर्णय के बाद निश्चित तौर पर उनको लाभ मिलेगा। कुछ और लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। आप बताइए कितना बड़ा फायदा होगा सरकार के इस निर्णय से? बहुत बड़ा फायदा होगा इससे, जो लोग डर डर में रह रहे हैं कभी टूट जाएंगे मकान, तो वो नियमितीकरण हो जाएगा पट्टे का, उसकी डर नहीं रहेगी। हम लोग 98 से यहाँ मकान बना के रह रहे हैं, उस समय दिग्विजय सिंह सरकार में दिया गया था पट्टा, तो इस बीच तो डर रहा होगा कि कभी भी बेदखल उस जमीन से किया जा सकता है, क्योंकि एक तरीके से मालिक आप पहले नहीं थे लेकिन अब मालिकाना हक मिलेगा। तो भूपेश सरकार है जो पट्टा बांट रही है, इसमें पब्लिक को बहुत खुशी हो रही है कि अपना मालिकाना हक हो जाएगा मकान में, और कभी टूटने फूटने का डर नहीं रहेगा। उस सब पब्लिक में उत्साह है कांग्रेस सरकार के प्रति। आप बताइए भैया, जब से सरकार आई है, चाहे जमीन की रजिस्ट्री को पहले वहाँ पर फूल का जो है उसमें कम किया गया, और उसके बाद अब ये इस तरह का निर्णय है, जो पट्टाधारी हैं काफी साल से निवास कर रहे हैं उनको अब उनका मालिकाना हक दिया जाएगा, यानी जो पट्टा है उसका नियमितीकरण किया दिया जाएगा। ये बहुत अच्छा पहल है भूपेश सरकार का, क्योंकि ये गरीबों का सरकार है, क्योंकि यहाँ आधे लोग का तो पट्टा है आधे लोग का नहीं है, तो सबको पट्टा दे रहा है और जिसका पट्टा है उसको नवीनीकरण कर रहा है, ये भूपेश सरकार का सराहनीय कदम है। ये तो पहले दिग्विजय सिंह सरकार भी अच्छा था मध्य प्रदेश में, अब लेकिन अब सत्ता तो आता जाता रहता है, लेकिन कांग्रेस सरकार गरीबों का सरकार है, इसलिए ये हक मिलना चाहिए गरीबों को। कितना लाभ मिलेगा इससे, इस निर्णय से तो पूरा गरीब को तो बहुत ज्यादा ही लाभ मिलने वाला है। कितना लाभ मिलेगा? आप भी एक पट्टा धारक हैं, कई सालों से निवास कर रहे हैं, तो आपके लिए व्यक्तिगत तौर पर कितनी इसकी जो लाभ है, कितना लाभ आपको मिलेगा? लाभ ये है कि जैसे कि हम लोग को डर बैठा रहता है कि हमारे पास पट्टा नहीं है, पट्टा नहीं है, ये घास जमीन है, मकान टूट जाएगा, वो टूट जाएगा, तो इससे हम लोग बच जाएंगे। कम से कम दूसरे आदमी भी है तो टूटे डर से इधर उधर सब भग जाते हैं। इतने मतलब देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, 15 साल में भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब ये इस तरीके से लगातार जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए सरकार काम कर रही है, इसको किस दिशा में देखते हैं? वो अच्छे भूपेश सरकार का अच्छा ही कदम है, क्या हम लोग गरीब आदमी भी अच्छा खुशी खुशी है, हर चीज मिल रहा है। तो ये थे हमारे साथ विधानसभा इलाके के पट्टा धारक, जो कई सालों से पट्टे की जमीन में निवास कर रहे हैं, और उनको ये डर सताता था कि किसी प्रकार की कार्रवाई उनके खिलाफ ना हो, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की कि नगरीय निकाय के अंतर्गत जितने पट्टा धारक हैं उनका नियमितीकरण किया जाएगा, इससे सरकार के फैसले के बाद जो पट्टा धारक है उनमें खुशी की लहर है। इसके बाद हमारे संवाददाता ऐसे ही एक मोहल्ले में पहुँचे, उन लोगों के बीच जो कि वर्षों से सरकार की ओर से यही अपेक्षा कर रहे थे कि कब पट्टाधारी निशान मुक्ति मिलेगी, देखिए क्या कहते हैं ये लोग। हम पहुँचे हैं गुढ़ारी के आदर्श नगर, यहाँ पर भी बड़ी संख्या में जो पट्टाधारी हैं कई वर्षों से निवास कर रहे हैं, और इनके लिए जो सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है निश्चित तौर पर उसका फायदा इनको मिलेगा। कुछ पट्टाधारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि इस फैसले को किस तरह से देखते हैं। आप बताइए किस तरीके इस फैसले को देखते हैं, अब जो कई वर्षों से पट्टाधारी निवास कर रहे हैं अब उनको सरकार मालिकाना हक देने जा रही है, मतलब उस जमीन के आप मालिक हो जाएंगे। ये तो अच्छा बात है कि जो सरकार कर रहे हो ठीक है, लेकिन जो भी आ रहते हैं जो टैक्स पटाते हैं ठीक है वो तो ठीक है, लेकिन जो मालिकाना हक है वो घर वाले को बिल्कुल मिलना चाहिए, और जो पट्टा का नवीनीकरण हो रहा है उसको पट्टा बनने के बाद एरिया वाइज फैसला कैसे देखते हैं, मालिक आप खुद बन जाएंगे उस जमीन के? हाँ पहले ये डर रहता था सरकारी जमीन है कार्रवाई हो जाएगी करके,
तो अभी क्या जैसे घर हमारा हो जाएगा, मतलब मालिकाना हम हो जाएंगे, क्योंकि हमारा हक है, है ना, क्योंकि अभी सरकार को टैक्स पटा रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो सरकार का है, वो कभी भी हटाए तो हमको हटना पड़ सकता है। हाँ, सरकार तो खुद दे देगा ना, मालिकाना हमको खुद मिल जाएगा, तो इसमें सरकार कुछ नहीं करे, वो हमारा घर हो जाएगा, हम रह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप बताइए, कई बार डर रहता है घर टूटने का, अब ये फैसले के बाद ये कम से कम दूर हो जाएगा। हाँ, दूर हो जाएगा, ये क्या है, नजू लेकर के कभी तोड़ देगा, सरकार बोलते हैं हमको डर रह के हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। सरकार का जो भी योजना सरकार की होगा वो हम पालन करेंगे, हमको बना के दे देंगे, हम बराबर टैक्स पटाएंगे और पटाते आ रहे हैं। क्या डर